हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक मैंने 3 वीडियोस बनाए हैं पुराने, आप इस प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तीनों भी मैनुअल टेस्टिंग के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, रिग्रेशन का भी बताया, मीनिंग बताया। अब थोड़ा टेस्टिंग की टेक्निक्स देखते हैं। देखो, ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। 3 टेक्निक होती है टोटल कितनी? 3 टेक्निक होती है। एक याद रखिए, ब्लैक बॉक्स, दूसरा व्हाइट बॉक्स और तीसरा ग्रे बॉक्स। अगेन, ये कंसेप्ट्स है। सर, मैनुअल टेस्टिंग में ब्लैक बॉक्स होता है क्या? लिखिए, कमेंट में लिखिए, ये क्वेश्चन आप मुझे पूछते हो, लिखिए, बताओ मैनुअल टेस्टिंग में व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है क्या? मैनुअल टेस्टिंग में ग्रे बॉक्स टेस्टिंग होती है क्या? क्या ये तीनों टेस्टिंग रिलेटेड टू ऑटोमेशन है? क्या ये तीनों टेस्टिंग रिलेटेड टू मैनुअल है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो देखिए, मैं बहुत क्लियरली बता देना चाहता हूं, जिनको मैनुअल टेस्टिंग का नॉलेज है उनके लिए भी ये है, बहुत गलतियां कर बैठते लोग। ये तीनों भी कंसेप्ट मैनुअल में भी आते हैं और ऑटोमेशन में भी आते हैं। ये कंसेप्ट है यार। देखो, एक चीज है, आपको 10वें मंजिले पे चढ़ना है। अब भाई, तू स्टेयर से जा या लिफ्ट से जा, चढ़ना है। ये क्या है? तीनों टेस्टिंग के प्रकार है। अब इसको करने के तरीके है, ऑटोमेशन से कर, नहीं तो मैनुअल से कर। अब उसको ग्रे बॉक्स से करो, ब्लैक बॉक्स से, व्हाइट बॉक्स से, डजंट मैटर। तो मैंने क्या कहा, मोटा मोटा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग और ग्रे बॉक्स टेस्टिंग, ये 3 टेस्टिंग की टेक्निक्स है। मैनुअल ऑटोमेशन इसका कोई लेना देना नहीं, समझा? लेट्स मूव नाउ। हम देखिए ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग मतलब ये प्रोडक्ट है ना, इसके अंदर का हमको कोई मतलब नहीं है, सर्किट वर्किट का, अंदर का कुछ मतलब नहीं है। बार बार से देखने का और बोलने का कि हाँ भाई ये सही चल रहा है, इनपुट डालो आउटपुट निकालो, मतलब क्या हो गया? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। हाउ यू विल टॉक इन इंटरव्यू? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग मींस कॉन्सेंट्रेटिंग अपॉन इनपुट्स एंड आउटपुट। व्हाट इज हैपनिंग इंटरनली यू डोंट नीड टू टेक केयर, बट प्रोडक्ट शुड बी गुड, आउटपुट शुड बी करेक्ट, दैट्स इट। इतना सिंपल है। देखिए, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, अंदर घुसना ही नहीं है, ये हुआ ब्लैक। बट स्टिल, जैसे मैं अभी इस सीरीज में आपके लिए नोट्स भी ला रहा हूं, आप पढ़िए एक बार, मैं आपको पढ़ के भी दिखाता हूं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथड। यहां मैनुअल लिखा है क्या? मैनुअल बोला गया? तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाओ, ऑटोमेशन रहे मैनुअल रहे, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग दोनों में हो सकती है। कितना सिंपल है, देखो टेस्टिंग के तरीके है। अब इसको मशीन से टेस्ट करोगे तो भी इनपुट और आउटपुट ही रहेगा, इसको हाथ से चेक करेंगे तो भी इनपुट आउटपुट। मतलब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग बिल्कुल भी मत सोचना कि ऑटोमेशन टेस्टिंग नहीं है, मैनुअल टेस्टिंग है, कुछ नहीं है ऐसा। प्रोडक्ट कंसेप्ट तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग मतलब। पढ़िए क्या लिखा है मैंने, एग्जांपल देखो, क्रोम ब्राउजर को टेस्ट करना है। सिर्फ भाई क्या मैटर करता है, वेबसाइट ओपन हो रही कि नहीं हो रही, अब उन्होंने क्या लिखा क्या नहीं थोड़ी ना देखना है अपने को। चाहे आप सिलेनियम से चेक करो या मैनुअल टेस्टिंग से चेक करो, तुम्हारी वेबसाइट खुल गई, बस URL इनपुट, वेबसाइट दिखना मतलब आउटपुट, दैट्स इट गाइस। बहुत सिंपल है, बहुत टेंशन नहीं लेना इसका। उसके बाद व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, थोड़ा सा कोडिंग का नॉलेज चाहिए। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग मतलब इसके अंदर के सर्किट देखना, ये जो सेल है, इसका स्प्रिंग है, ये कैसा है, क्या है, उसको जाके चेक करना है। व्हाइट बॉक्स, ये स्प्रिंग कैसा दिख रहा है, स्प्रिंग कौन से मटेरियल से बना है, ये जाके देखना मतलब व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। मतलब इंटरनल्स पता होने चाहिए। मतलब किसी वेबसाइट को चेक करना अगर है तो भाई तुम्हें उसका कोड भी पता होना चाहिए। पढ़ो एक बार क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने क्या लिखा था, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग इज अ टेस्टिंग टेक्निक इन विच सॉफ्टवेयर इंटरनल स्ट्रक्चर डिजाइन कोडिंग आर टेस्टेड टू वेरीफाई इनपुट एंड आउटपुट फ्लो। ब्लैक बॉक्स में क्या था, इनपुट डालो आउटपुट निकालो दोनों देख लो, खत्म कहानी। इसमें इनपुट डालो आउटपुट भी देखो और बीच में भी देखो कि भाई प्रोसेसिंग कैसी हो रही, इधर से इनपुट दिया इधर से आउटपुट निकला, कितना समय लिया, क्यों ज्यादा समय लिया, ये सारा कहाँ देखना है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। मतलब नॉलेज होना जरूरी है। और ट्राई कीजिए कि आप व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर घुसे, ज्यादा तनख्वाह मिलती है, ज्यादा सैलरी मिलती है रेदर देन द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इतनी वैल्यू नहीं है। पढ़िए अभी क्या क्या लिखा है मैंने, अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो, हाँ ये पॉइंट देखिए अभी क्या लिखा है यहाँ पे, जस्ट सेकंड, लेट मी जूम इट। देखो इसमें क्या लिखा है, एक तो इंटरन, अभी आपको पूछेगा व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, तो आपको क्या बोला, देखो SQL स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, ब्रोकन
और पुअरली स्ट्रक्चर्ड पाथ चेक कर सकते हैं, फ्लो ऑफ इनपुट चेक कर सकते हैं, मतलब करंट जा रहा है इधर आपको फैन लग रहा है, अब करंट कैसे वायर से जा रहा है पूरा चेक करना, ये यहाँ लिखा है। लूप्स कैसे लगाई हुई है, कंडीशनल लूप्स होती है, फॉर लूप होती है, व्हाइल लूप होती है, चेक करना उसकी इफिशियंसी निकालना, 10 स्टेटमेंट्स लिखे तो हर स्टेटमेंट को चेक करना, टेस्ट कवरेज चेक करना, ये सारा जो तामझाम है वो किसमें आता है, किसमें आता है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। फिर से याद रखिए, इसमें से 3 पॉइंट भी आपने याद रखे ना, इनफ। ओके, सो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, तो अभी तक क्या बताया मैंने, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग हमने देखी। दूसरा मैंने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि एग्जाम्पल्स बताया मैंने, ठीक है। अब ग्रे बॉक्स टेस्टिंग, ये कोई ऐसे ऑफिशियल टर्म नहीं है, मोटा मोटा देखा जाए ना तो ग्रे बॉक्स टेस्टिंग ही होती है। इतना कोई बेवकूफ नहीं होता कि बस ऊपर ऊपर से देखेगा या अंदर पूरा घुसेगा, इतना कोई नॉलेजेबल नहीं होता है। तो देखो रियलिटी कुछ और होती है जो कोई बोलना नहीं चाहता है, बट स्टिल ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। इसमें क्या है, आपको ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स, बनता क्या है ग्रे बॉक्स। मतलब पढ़ते हैं, इंटरनल्स भी पता होने चाहिए पार्शियली और एक्सटर्नल भी पता होने। द ग्रे बॉक्स टेस्टिंग इज अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक टू टेस्ट अ सॉफ्टवेयर विद पार्शियल नॉलेज ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एप्लीकेशन। फिर क्या लिखा है मैंने, पढ़ो, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग इज अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथड विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ व्हाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो गाइस आपको ये बोल के देखना है, देखो मैं कितनी भी चीजें आपको बताऊं, अगर आपको बोलते ही नहीं आया ना तो ये सारा बेकार हो जाएगा। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज गो थ्रू दैट। ग्रे बॉक्स टेस्टिंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग गिव्स टेस्टिंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग गिव्स द एबिलिटी टू टेस्ट बोथ साइड ऑफ एप्लीकेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, प्लीज रिमेंबर। लास्टली मैं आपको केवल समरी बताऊंगा जो कि आपको हमेशा के लिए याद रखना है। देखो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ओके, अननोन, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, नोन, यहाँ क्या लिखा है, अननोन, और यहाँ क्या, पार्शियली। बस जस्ट आपको ये हिंट्स याद रखनी है, दिस इज नोन, अननोन, पार्शियली नोन। मतलब क्या हुआ, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में पता रहता है अंदर का स्ट्रक्चर, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में नहीं पता होता है, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में पार्शियली पता होता है। जस्ट टू रिवाइज गाइज, मैं पहली स्लाइड से फिर से आपको वापस लेके जाता हूँ ताकि आपको और भी चीजें समझ आएगी। तो अभी तक हमने क्या देखा, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एग्जाम्पल दिया, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग उसका भी एग्जाम्पल दिया, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग उसका भी एग्जाम्पल दिया, ठीक है। सो यही सारी चीजें हैं, बाद में मैंने आपको लास्ट में समराइज भी करके दिखाया। प्लीज रिमेंबर, डिस्क्रिप्शन में इसकी नोट्स भी होगी। होपफुली आपके ये वीडियोस बहुत यूजफुल हो रहे होंगे। ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स, ग्रे बॉक्स, मैं मैनुअल कंसेप्ट्स को भी इसमें कवर कर रहा हूँ। मिलते नए वीडियो में। नीचे के डिस्क्रिप्शन की मेरी वेबसाइट की लिंक है, आप वहाँ जा सकते हो, ब्राउज कर सकते हो, नोट्स को देख सकते हो, बैच का टाइमिंग देख सकते हो कि कितने बजे बैच होती है, कितने बजे लोग आते हैं, ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, किस मोड में आपको करना है, हर चीज़ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई होगी। आप प्लीज इस वीडियो को अगर आपको यूजफुल लगता है शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।